भाई दोस्तों दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, एक तरफ लखावटी की टीम कैप्टन है गौरव प्रो कबड्डी यूपी योद्धा टीम का हिस्सा रह चुके हैं, दूसरी तरफ अर्पित सिरोहा कैप्टन है बुढ़ाना क्लब बागपत। टॉस जीता है बुढ़ाना क्लब ने और कोर्ट चूज किया है, पहली रेड देखने को मिलेगी लखावटी की तरफ से भाई, लखावटी वर्सेस बुढ़ाना के बीच मुकाबला भाई। दोनों तरफ प्रो कबड्डी के स्टार हैं, इधर रोहित है अर्पित है गौरव और साहुल। मेरा स्वागत करें भाई भाई, जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। ऋषि पाल जी उत्तराखंड कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और गुरुप्रस्थ अकेडमी बहुत के कोच भी हैं, प्रो कबड्डी के बहुत सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। ऑफिशियल कोई पटना कोई जयपुर कोई तेलुगु कोई बुढ़ाना क्लब भाई, कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नॉर्सन कबड्डी टूर्नामेंट का भाई, रोहित तोमर यूपी योद्धा प्रो कबड्डी प्लेयर है गौरव यूपी योद्धा भाई, हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, यूपी योद्धा से खेल चुके हैं जयपुर में बहुत अच्छे खिलाड़ी हिस्सा रहे थे भाई फाइनल। अर्पित सरोहा तमिल तलाबाज खेल चुके हैं बहुत ही अच्छे भाई, दोनों तरफ दो दो प्रो कबड्डी के प्लेयर टूर्नामेंट का कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा। मुकाबला स्टार साथियों, पहली राइट गोलू जबरदस्त होने वाला है, पांच नंबर जर्सी में पहने हुए पांच नंबर के खिलाड़ी रेड करते हुए कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा भाई। पहला सेमीफाइनल मुकाबला है और भाई कमाल का रनिंग हैंड टच है और भाई अनुभवी डिफेंडर अर्पित सिरोहा कौन सा नाम बनाया इसमें, रोहित तोमर खेलो इंडिया में शिरकत कर चुके हैं, उसके बाद प्रो कबड्डी में यूपी योद्धा की टीम से हिस्सा रहे हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी बहुत ही कम उम्र के खिलाड़ी हैं, लेकिन कमाल की कैच लगाई है अर्जुन ने, जबरदस्त कैच देखने को मिली, का कोई फर्क नहीं पड़ता और बुढ़ाना का भी खाता खुलना बाकी भाई है। गेम स्टार्ट कर दिया है, लखावटी ने अपना शो दिखाना स्टार्ट कर दिया है, बुढ़ाना जबरदस्त टीम है, मजबूत टीम है और पहली टूर्नामेंट में बहुत एक एक रेड हुई है दोनों तरफ से भाई, भाई अपने आप दे देंगे खिलाड़ी पीछे रहे भाई, दोनों तरफ से एक एक रेड हुई है, टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों प्रो कबड्डी के स्टार बुढ़ाना की टीम की तरफ से बाहर है, तो खिलाड़ी कमेटी का और रेफरी का निर्णय अंतिम और सर्वोच्च होगा। 2-0 स्कोर, 6 नंबर के खिलाड़ी बुढ़ाना की ओर से, लेकिन इस बार लखावटी की टीम अभी तक बहुत मजबूत दिखाई दे रही थी, कमाल का कॉम्बिनेशन टैकल के लिए बहुत ही आसान भाई, ये कॉम्बिनेशन टैकल लगातार देखने को मिलेगा क्योंकि साहुल और गौरव अनुभवी डिफेंडर हैं, पुराने डिफेंडर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है लखावटी के लिए खेलते हुए, बहुत साल हो चुके हैं वो, और भाई कमाल का टैकल सूरज और आर्यन का बहुत अच्छे रहना है ये भी, लेकिन पुराना क्लब भाई एकमात्र रेडर कामयाब हुआ है अभी तक बोलू, बाकी डिफेंस देखने को मिला है टच की ट्राई लेकिन नाकामयाब, खाली हाथ वापस दोनों तरफ से के साथ पारी, पिछली बार पॉइंट लेकर गए थे बहुत कामयाबी मिली थी पिछली रेड में, पिच पे लगाया था और 5 के डिफेंस में समय राइट करता हुआ खिलाड़ी में रेड करते हुए भाई बोनस नहीं मिलेगा और ये भी खाली हाथ वापस, फिर से 3-1 स्कोर बुढ़ाना की ओर से लखावटी के डिफेंस में रहना, बहुत ही सुंदर प्रयास बहुत ही सुंदर प्रयास भाई, कमाल का प्रयास था लेकिन उससे भी बेहतरीन बचा गौरव, गौरव और कमाल का टैकल, बार बार इस खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, सुंदर खेल मैच बहुत ही
भाई एक और कमाल का टैकल भाई, डिफेंस दोनों तरफ से बेहतरीन काम करता हुआ। चार दो स्कोर है, दो चार दो अंदर। बुढ़ाना वापसी करती हुई अर्पित एक बार फिर डिवाइड होकर अंदर, और बहुत ही चौकन्ने। सफावटी की टीम बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन अरे वाह भाई कमाल का हिट टच। इससे पता लगता है कि गौरव बहुत ही मजबूत डिफेंडर। तीन चार स्कोर है टूर्नामेंट में, एक या दो ओवर बाहर हुए होंगे जिसमें से एक बार इस मैच में, और ये फंसा लिया कमाल का टैकल भाई। स्कोर बराबर अर्पित भाई, चार चार स्कोर बराबर है कि ये मैच भी ऐसे ही बिल्कुल चार का डिफेंस रोमांचक होगा। और इस बार लखावटी की टीम और मजबूत दिखाई देती है, स्कोर भी चार चार बराबर है। राहुल जयपुर भी पैंथर के खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन सामने है अर्पित रोहित, सॉरी रोहित तोमर। पिछली बार गौरव का आउट किया था, खाली हाथ वापस भाई पीरियड देखने को मिली है। एक और कमाल का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें, बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला नॉर्थर्न कबड्डी टूर्नामेंट हरिद्वार का। स्कोर चार चार बराबर है, बड़ा मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। जो टीम जीतेगी फाइनल में प्रवेश करेगी और आईटीबीपी के साथ फाइनल खेलेगी भाई, जो टीम जीतेगी। स्कोर अभी भी चार चार बराबर है, रहना एक नंबर जर्सी में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक और एम्प्टी नेट देखने को मिलेगी। उस मुश्किल को आसान करना होगा। अगर अभी तक बिल्कुल बराबरी पर मैच चलता हुआ चार चार, पूरी तरह से मुकाबला भाई डू और डाई पर है शुरू से ही। थर्ड रेड डू और डाई रेड निखिल चार के डिफेंस में, छह नंबर जर्सी में, चार के डिफेंस में, या तो लीड में लखावटी आएगी या फिर बुढ़ाना। बिल्कुल भाई अब देखना होगा पॉइंट लेना है या देना है, करो और मरो की स्थिति है दोनों टीमों के लिए। रेडर के बहुत अच्छी रेड करते हुए बहुत अच्छे स्टैप के साथ ला के रखा हुआ है डिफेंस को साहुल, कमाल का टैकल देखने को मिला है बेहतरीन गेम जी के साथ। डू और डाई पर मैच चलता हुआ पूरी तरह से, यहाँ पर पांच चार स्कोर है लेकिन, और भाई एक और कमाल की डबल टाई होल्ड आर्यन का, बिल्कुल भी पीछे नहीं भाई। स्कोर पांच पांच बराबर अभी भी लखावटी के डिफेंस में, लखावटी का चार खिलाड़ियों का डिफेंस। पानी भाई पानी, नहीं नहीं इसमें कोई भरकर लाओ भाई, इसे पांच उठा के। बिल्कुल भाई टक्कर का मुकाबला, बेहतरीन गेम देखने को अभी तक दोनों टीमों की तरफ से। अरे वाह, डिफेंडर भी सतर्क, रेडर भी सतर्क, एक और एमपी राइट टीमों के बीच पांच पांच बराबर, क्वार्टर फाइनल से लेकर पांच पांच स्कोर बराबर है, वो सब ऐसे ही हुए हैं, सभी मैच बराबरी पर रहे हैं लास्ट तक। लास्ट की एक मिनट में भी ये बताना संभव नहीं रहा है कभी भी किसी भी मैच में कि एक और एमपी राइट टीम बाजी मार जाएगी। पीटू स्कोर अभी भी पांच पांच बराबर, मैच का फुल मजा लेते हुए। बहुत अच्छे बहुत भाई बेहतरीन, और इसी के साथ एक पॉइंट कमाल का हैंड टच उड़ाना, और ये हैंड टच भाई डिफेंस का है क्योंकि रेडर लगातार चहलकदमी कर रहे थे। चार नंबर की खिलाड़ी आकाश, छह पांच स्कोर पर टैकल ओन। अब लखा भाई टाइम आउट लिया है, और छह पांच स्कोर है भाई, बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। टाइम आउट लखावटी का, लखावटी की ओर से थर्ड रेड टू ऑर्डर है, सात खिलाड़ियों का डिफेंस बोनस ऑन। आकाश बहुत अच्छे तरीके से रेड करते हुए, क्या स्कोर शानदार बराबर हुआ या लीड फिर बढ़ेगी। और एक और कमाल की भाई, इस बार दूसरी बार कमाल की कैच, एक और आर्यन की, ये
भाई दो खिलाड़ी कोर्ट में, सुपर टैकल ऑन साहुल, लेकिन अभी 5-7 स्कोर है थोड़े से अच्छे, और दोनों भाई बेहतरीन डिफेंडर हैं, अभी भी मौजूद हैं साहुल और हिमांशु ग्राउंड पर। और ये सुपर टैकल, और का भाई सुपर टैकल है, रोहित को एक और कैच लगा दी, स्कोर बराबर हो गया। 2.7 पॉइंट मिले हैं लकाफी को, साथ ही साथ गौरव रिवाइव हो गए हैं अब, और उधर दूसरी तरफ रोहित 7-7 स्कोर बराबर बुढ़ाना की ओर से। तो 2 पॉइंट तो गवाए हैं, रोहित को भी गवा दिया, उधर गौरव का रिवाइवल मिल रहा है लकाफी को। भाई पूरी तरह से डू और डाई पर मुकाबला, और ये सब्स्टिट्यूट देखने को मिला है एक और, ये निकाल दे गले से निकाल दे भाई। लक्ष्य को अंदर लेकर आए हैं, साथ साथ बराबरी पर ये मुकाबला, बुढ़ाना क्लब और लखावटी के बीच स्कोर भाई अभी भी बराबरी खेला जा रहा है, दूसरा सेमीफाइनल नॉर्थन भाई बहुत बड़ा मुकाबला है, अहमियत समझ सकते हैं इस मुकाबले की, दोनों टीमें प्रशूट करने का प्रयास किया था, लेकिन मैं टू डायरेक्ट टाइम आउट लिया है, बुढ़ाना थर्ड रेड लक्ष्य पर डिसाइड होगा कि कौन सी टीम लीड में आती है और कौन सी टीम पिछड़ती है। डुअडाई रेड है, बहुत ही अच्छा, क्या तोड़ पाएंगे डुअडाई को, अर्पित एक और भाई कमाल की कैच, अर्पित एक बार फिर से तो बहुत ही थर्ड रेड डुअडाई रेड बुढ़ाना की ओर से, और दोनों भाई स्टार डिफेंडर ऑन है, क्या एक और सुपर टैकल देखने को मिलेगा। रोहित बहुत तीनों ही प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हैं, तीनों ही बहुत ही उच्च स्तरीय खिलाड़ी हैं भाई, वो बता देंगे। गौरव को इस बार फिर से आउट किया है रोहित ने, दूसरी बार इस मैच में धीरे धीरे लीड बढ़ती हुई, और ये साहुल और कमाल का भाई टैकल देखने को मिला, बेहतरीन एंकल होल्ड रोहित का, एक समय 7 बार है स्कोर था, 7-7 स्कोर था, और 3 खिलाड़ी कोर्ट में थे लखावटी के, ऑल आउट मिलता हुआ लखावटी को। छह नंबर के रेडर एक बार फिर से रेड करते हैं, बहुत अच्छी रेड करते हैं, बहुत अच्छे स्टेप के साथ रेड को आता 4 नंबर की जर्सी में, बहुत अच्छा प्रयास डिफेंडर भाई, 5 पॉइंट के लिए इस समय बुढ़ाना के पक्ष में आ गई, और भाई कमाल का टैकल देखने को मिला है, बेहतरीन एक और कॉम्बिनेशन टैकल बुढ़ाना के डिफेंडर, जबरदस्त मुकाबला दूसरी तरफ बुढ़ाना की तरफ से देखने को मिला अभी तक। रोहित तोमर रोहित प्रयास नाकामयाब, साहुल काफी आकर खेलते हुए बोनस करने की कोशिश, लेकिन भाई मंजिल बहुत दूर है, गोलू 7-13 स्कोर, अंतर 6 पॉइंट का भी, बुढ़ाना की ओर से डू डायरेक्ट लखावटी के पास मौका है, और गौरव एक और कॉम्बिनेशन टैकल 8-13 अंतर 5 पॉइंट का है, कमाल का गेम, डिफेंस की तारीफ कर रही होगी भाई बुढ़ाना का, जिस तरह का डिफेंस अभी तक खेला है दोनों टीमों के डिफेंस ने, बेहतरीन गेम दिखाया है, अंतर है तो भाई एक वो ऑल आउट का, मल्टी पॉइंट रेड भाई, कवर कॉर्नर को निशाना बनाया एक ही रेड में, 10-13 अंतर 3 पॉइंट का रह गया, वापसी करती हुई लिखावटी की टीम, रोहित भाई सचिन के पिताजी, और भाई कमाल का टच, 5 खिलाड़ी कोर्ट में,
बच्चू एक बार फिर पास के डिफेंस में मल्टी पॉइंट रेट देखने को मिली थी। ठीक है, 10-14 क्लब, एक और एम्प्टी मध्यांतर। भाई मध्यांतर के समय स्कोर की बात करें 10-14 स्कोर है, 4 पॉइंट का अंतर है, 4 अंकों से पिछड़ते। भाई साथियों फर्स्ट हाफ की कहानी की बात करें तो 10-14 स्कोर है, 4 पॉइंट की लीड में इस समय स्कोर 10 बुढ़ाना की टीम। आदित्य भाई थोड़ा सा तो हिसाब से लिख दो, जो मुझे खो जा। रोहित लगाती 10 बुढ़ाना 14 फिर पॉइंटों की लीड में। बोनस का प्रयास, बोनस का प्रयास जरूर किया है लेकिन नहीं ऑफिशियल ने निकाला। भाई 5 का डिफेंस, बच्चों ने एक मल्टी पॉइंट रेड की थी कमाल की फर्स्ट हाफ में, जिससे भाई एक कॉर्नर मयंक और कवर आर्यन बाहर हुए थे और अभी भी बाहर हैं। 10-14 एक और एम्प्टी रेड। भाई दोनों तरफ से अभी तक जबरदस्त मुकाबला देखने को लाया फर्स्ट हाफ में, अंतर जरूर है 4 पॉइंट का। नारसन कबड्डी टूर्नामेंट का मुकाबला जो इस भाई वापसी करने में माहिर टीम किसी भी टाइम खत्म कर सकती है, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत अच्छा खेल दिखाना होगा क्योंकि बुढ़ाना स्टार्टिंग से ही भाई थर्ड रेड आएगी दिखा रही है अपना पहले इस मैच के लिए उन्होंने बचा के रखा था बुढ़ाना की तरफ से। मैच हुआ था बच्चू, बड़ा ही जबरदस्त मैच हुआ था फिर से एक्शन। और इसी के साथ भाई निशाना बनाया इस बार एक बड़ाई अर्पित को निशाना बनाया डू बड़ाई रेड 11-14 स्कोर उड़ाना की ओर से। लीड 3 पॉइंटों की आ गई है बस। और भाई कमाल का एक और रनिंग एंटर्स दोनों तरफ से रेडर कामयाब हुए हैं इस डू बड़ाई में और फिर से लीड 4 पॉइंट की चलती हुई लफाफटी से 11-15 और ये भाई कमाल का टैकल सूरज का आकाश बेहतरीन टैकल देखने को मिला है। लीड धीरे धीरे बढ़ती हुई 16-11 भाई बहुत अच्छा खेल बुढ़ाना की टीम दिखा रही है लफाफटी के अगेंस्ट। 11-16 स्कोर है, अंतर 5 पॉइंट का है, 1 पॉइंट और बढ़ गया भाई सेकंड हाफ में। आगे चल रहे हैं रोहित समय काटने का प्रयास गोलू और बहुत ही शानदार खेल स्कोर 11-16 बड़ा ही रोमांचक मैच चलता हुआ ये दूसरा सेमीफाइनल लखावटी और बुढ़ाना क्लब के बीच। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि पास का डिफेंस 11-16 लीड को बरकरार रख पाएगी लेकिन उन्होंने करके दिखाया अपने डिफेंस और अपने रेड के दम पर दोनों एक और एम्प्टी राइट बच्चू। भाई दोनों तरफ से कमाल का मुकाबला अंतर मायने रखता है दोनों फॉर्मेट में प्रदर्शन कर रहे हैं और वो बरकरार है के 5 मिनट का बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं। और भाई निखिल पड़दावा भाई डू और डाई थर्ड राइट डू और डाई राइट बड़ी रेड होगी और रेडर सेल्फ आउट है के साथ सेल्फ आउट रेडर पुडाना के डिफेंस में थर्ड रेड 5 का डिफेंस। भाई बोनस मिलेगा नहीं टच पॉइंट लाना होगा रिवाइवल देखते हैं ये रेडर इस बार पॉइंट और ये आउट भाई रेडर सेल्फ दो सेल्फ आउट अपनी थर्ड रेड पर भी सेल्फ आउट तो ज्यादा कुछ करने का मौका भाई अंतर 3 पॉइंट का रह गया 13-16 पॉइंट दे दिया और ये घटकर हो गई है 3 पॉइंट की।
लाइन डाल दी उसकी बैकबॉल की, बिल्कुल एकदम टॉपर। भाई 13-16 स्कोर है, सभी लोग सतर्क। रोहित समय काटते हो, रोहित एक और एम्प्टी रेट, गौरव पर्ची का प्रयास लेकिन रुक गए। चार के डिफेंस में रेड करते हुए लखावटी के रेडर पुढ़ाना के डिफेंस में लखावटी। भाई कमाल का मुकाबला है अभी तक और बिल्कुल ओपन मुकाबला है, कोई भी टीम लेकिन बाजी मार सकती है। रास्ते में एक और बेहतरीन टैकल देखने को मिला है, लीड फिर से 4 पॉइंट की आ गई, 13-17 स्कोर। रोहित तोमर एक बार फिर से पिछली रेड इन्होंने खाली डाली थी और इस बार भी कुछ उसी तरह का खेल दिखाते हुए। हाँ शायद हमारी बात उनके कानों तक पहुंची है। रोहित बिल्कुल समय काटने का प्रयास है क्योंकि जानते हैं लीड 4 पॉइंट की है। प्रयास करते हुए एक और एम्प्टी राइट, बहुत अच्छा प्रयास लगाने की कोशिश लेकिन कमाल का डबल था ये होल्ड। बुढ़ाना की ओर से थर्ड रेड डू डायरेक्ट, लेकिन उससे पहले इधर भी 5 का डिफेंस अर्पित के द्वारा किया 13-18 और लीड को बढ़ाकर 5 अंतर। भाई अभी भी 5 पॉइंट का है, काफी बिल्कुल बेबस की नजर आ रही है इस मैच में। 12-13 इतना डू डायरेक्ट है, किसी भी मैच में रुकावटी पीछे नहीं रही है, बहुत अच्छी टीम दिखाई दे रही है। लेकिन बुढ़ाना ने भाई कॉम्बिनेशन टैकल लेकिन नहीं, यहाँ सोलो टैकल देखने को मिला है जो अंतर भाई फर्स्ट हाफ में 4 पॉइंट का बना हुआ था रेडर, वो अभी भी बरकरार है। 14-18 बार देखना होगा क्या कुछ दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जो टीम जीतेगी वो आईटीबीपी से फाइनल खेलेगी। अच्छा प्रयास सेकंड पर हैंड टच का, लेकिन एक और एम्प्टी राइट, बिल्कुल माइंड गेम चलता हुआ दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन लीड बरकरार है। लगातार रेड कर रहे हैं अपनी टीम से, लगातार पिछले मैच में भी जो गोल्डन रेड की थी वो रोहित ने की थी और उस पे जीत दिलाई थी अपनी टीम को गोल्डन रेड। एक और एम्प्टी राइट, गोलू 5 के डिफेंस में 4 पॉइंट का अंतर है। में देखना होगा कैसे खेल पाती है और ये देखिए भाई कमाल की स्कॉर्पियन किक लगाई है, बहुत दूर था। एक तरफ 5 का डिफेंस है तो दूसरी तरफ 6 का डिफेंस है। 18-14 4 पॉइंट की लीड थी जब हाफ टाइम हुआ था और अभी तक वो 4 पॉइंट की लीड। रेड आउट भाई इधर भी डॉट आई थर्ड रेड, लास्ट 5 मिनट का समय शेष और 13-18 यहां पर और एक बार फिर से अर्पित का कमाल का गेम, बहुत अच्छा खेल के अपनी लीड को 4 पॉइंट के कर लिया है बुढ़ाना ने। समय काटते हुए
19-15 अंतर 4 पॉइंट का है और स्कोर बोर्ड में भी और समय भी 4 मिनट का बचा हुआ है। और ये निकलने की कोशिश, लेकिन बुढ़ाना का डिफेंस भाई, एक और कमाल का डिफेंस हुआ भाई। अब कह सकते हैं ये मुकाबला धीरे धीरे पक्ष में जाता हुआ बुढ़ाना के। पांच पॉइंट का अंतर है और पूरी तरह से समय काटने का प्रयास रहने का। करते हुए बुढ़ाना के खिलाड़ी जानते हैं आखिरी कुछ मिनटों का खेल बचा है। एक और एंट्री राइट और 12 नंबर के रेडर रेड करते हुए लक्ष्य भाई। ये कवर कमाल कमाल भाई, ये मेरे ख्याल से कमाल का डिफेंस भाई पूरा हो चुका है। लास्ट 3 मिनट का समय शेष है। टू और डाई फ्रॉम टू और डाई रेड थर्ड रेड और ये लीड बढ़कर 4 का डिफेंस 6 पॉइंटों की हो गई है। 6 पॉइंटों की लीड 21-15। फाउल पर अटैक गौरव सामने से आए, लेकिन कमाल का टैकल गौरव का बहुत अच्छा। ये 6 पॉइंटों की लीड 5 पॉइंटों की रह गई है। अर्पित और ये बड़ी रेड है, ये देखा सुपर रेड कर दी भाई, सुपर रेड कर दी भाई, कमाल का गेम लगा भाई। 19-21 स्कोर है इस सुपर रेड के साथ और 2:17 का समय बचा हुआ है और 3 खिलाड़ी कोर्ट में हैं। समय काटना चाहेंगे, लेकिन अगर यहां से एक पॉइंट और मिल गया लखावटी को तो मुसीबत पड़ जाएंगे, क्योंकि 3 ही खिलाड़ी कोर्ट में हैं। और रोहित समय काटते हुए एक और एम्प्टी राइट। लास्ट 2 मिनट का समय और ये रोहित एक ऑल राउंडर के सुपर टैकल और ये टैकल भाई रोहित का कमाल का टैकल कर दी है। 23-19 भाई ध्यान दो रे, 19-23 ये यहाँ पर रोहित ने ऑल राउंडर खेल का प्रदर्शन किया है। बहुत ही जबरदस्त खेल और लखावटी एक बार फिर से 4 पॉइंट टाइम आउट लिया है। सबसे बड़ी मुश्किल 1:13 का समय शेष है। ये जो डिफेंडर हैं और ये भाई क्या बेहतरीन प्रयास है, बड़ी रेड है, बड़ी रेड है। 1, 2, 3 या 4 गया है कोर्ट में, 1, 2, 3 या 4 वो रेफरी दे देंगे, वो नहीं रेफरी दे देंगे भाई। नहीं भाई क्या होता है ना, दिखा दो कैसे भाई। 20-24 स्कोर है और 55 सेकंड का समय शेष है और थर्ड रेड है ये और लीड अभी भी 4 पॉइंट की है। अगर पूरी तरह से भाई खड़े होकर समय भी काटेंगे तो 25 सेकंड बचेंगे इसके बाद और 3 खिलाड़ी कोर्ट में बचेंगे। 24-20 22-24 22-24 और ये रोहित यहाँ पर बिल्कुल समय काटते हुए एक पॉइंट देने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरह से मुकाबला समाप्त हो गया और अगर आउट भी हो जाएंगे तो 23-24 के साथ बाजी मारेगी एक पॉइंट से बुढ़ाना की टीम। 22-24 का स्कोर और इसी के साथ आउट। मुकाबला समाप्त भाई 23-24 के साथ भाई बाजी मारी एक पॉइंट से बुढ़ाना की टीम। एक पॉइंट से ये मैच जीत लिया है मात्र एक पॉइंट से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई दोनों, ये टीम ये रुक जाए एक बार। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।